एग्जाम के अंदर आता है तो अपन उठा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बेसिकली जो परसेंटेज वाली चीज है उनको याद करना चाहिए, जो डायरेक्ट अपन याद कर सकते। जैसे कि मैंने बोला 1/1 कितना परसेंट होता है, तो आपको पता है कि 1/1 एक में एक का भाग देंगे तो पूरी पूरी बार जा रहा है, मतलब अपना में 100% है। मैंने बोला कि 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बोला कि 1/3, 1/3 भाई अपन एक का मतलब परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज बना रहे, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाता है। अब बात करूं 1/4 की, तो 1/4 25% के बराबर होता है। 1/5 की बात करता हूं मैं, 1/5 20% के बराबर होता है दोस्तों। तो ये कैसे आ रहा भाई, देखो ऐसे आ रहा भाई, जैसे कि मैंने बोला 1/6, 1/6 को अपन 100 में करें, जब हम परसेंटेज लगाते हैं 100 से गुणा करते दोस्तों, तो मैंने क्या भाई 100 में मैंने 6 का भाग दिया तो एक बार गया 4 बचा, फिर ये 40 हो गया, 6 बार गया 36 भाई, 6 बार गया 36, फिर बचा मेरे पास 4 शेष फल और फिर 6 का भाग देंगे, ये काटा तो ये हो गया 16 सही 2/3% के बराबर होता है। जहां भी अपन को 1/6 दिखता है वहां अपन भाई परसेंटेज चेंज करना है, तो 16 सही 2/3% हो जाता है। इस प्रकार से अपन को करना है, प्रत्येक में ऐसे करेंगे। तो मैं देखूं अब आगे बात करते हैं 1/7 को क्या कहते हैं भाई। 1/7 को आपको पता है कि 14 सही 2/7 बोला जाता है। 1/8 को क्या बोला जाता है, 1/8 को 12 सही, 1/8 को 1/4 इसको बोला जाता है 12.5%। 1/9 को बोला जाता है 11 सही 1/9%। 1/10 को बोला जाता है 10%। इस प्रकार से दोस्तों अपन को याद करना है, ये बेसिक चीज है जो अपन को आनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आती है और इनसे अपन क्या है दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनको याद करने का तरीका, ये है कि जहां पे 9 आ रहा था 1/9 का मतलब 9 से 1/9 आ रहा, इस पे 1/3 है तो 1/3 इधर आ रहा है, तो ऐसे अपन को याद करना जरूरी है। 1/7 है तो इधर देखो 2/7 आ रहा है, इस प्रकार से अपन को ये बेसिकली याद होना चाहिए, क्योंकि ये अपन को याद है तो अपन